धनबाद में ठंड बढ़ती जा रही है। फुटपाथ पर रात गुजारने वालों के लिए यह ठंड जैसे आफत बनकर आई है। ऐसे में युवा समाजसेवी युवा संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच गुरुवार की देर शाम कंबल वितरण किया। यह शुरुआत उन्होंने धनबाद के सिटी सेंटर से की। रिक्शा वाले, ठेला खुमचा वालों के उन्होंने कंबल बांटे। शाम को उन्होंने धनबाद रेलवे स्टेशन एवं जिले के अन्य चौक चौराहों पर भी जाकर रिक्शा चालकों, गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस मौके पर दिलीप सिंह ने कहा कि सभी सक्षम लोग पांच पांच गरीबों की मदद जरूर करें तो कोई ठंड से पीड़ित नहीं होगा। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए युवा संघर्ष मोर्चा द्वारा गरीब असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आगे भी जरूरतमंदों की सहायता का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत ठंडा सर, ठंडा में कुछ प्रशासन के तरफ से आप लोग को सुविधा दी जा रही है? कुछ अभी कंबल वितरण किया गया, अभी अभी कैसा लग रहा है? कंबल बांटे हैं अभी ठीक लग रहा है सर। कुछ राहत मिलेगा? बहुत राहत। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सपन। हाँ सपन। आज हम लोग स्टेशन पर, चौक चौराहे पर रिक्शा चालक और जो भी रोड पर सोए हुए व्यक्ति मिल रहे उन्हें कंबल हम लोग उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है, सभी लोग से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि घरों में रहें। लेकिन जो आस पड़ोस में आपके घर के अगल बगल में जो सोए हुए हों और आपके चौक चौराहे पर, उन्हें कंबल और लकड़ी का व्यवस्था कराएं, जिस कारण से उनकी भी जान बचाई जा सके। जिस कारण से हम लोग कोरोना में जो काम किए थे, और समाज सेवी की जरूरत है कि धनबाद जिला के जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे रिक्शा चालक हैं और जो भी फुटपाथ पर सोए हैं, उन्हें कंबल जरूर दें। आप सभी अपना प्रयास करें, एक कंबल जरूर दें। अगर 100 कंबल नहीं दे सकते तो एक कंबल दें, और उस एक कंबल से जरूर एक आदमी का ठंड में जान बच सकती है, क्योंकि ये ठंड बहुत है और ठंड में एक दूसरे को ख्याल रखना होगा। और मौसम अभी बहुत ही बढ़ रही है ठंड, और प्रेस मीडिया सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इन सभी मजदूर वर्ग को भी मदद मिलना चाहिए। धन्यवाद।